नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अक्षय कुमार काफी समय से बॉक्स ऑफिस पर लगातार फ्लॉप फिल्मों का सामना कर रही है। उनकी लास्ट फिल्म खेल खेल में है, जो इसी महीने 15 अगस्त को थिएटर में रिलीज हुई थी, लेकिन कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इस फिल्म के बाद वो वेलकम टू द जंगल में नजर आने वाले थे, लेकिन इस फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चलिए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह। इस खबर ने फैंस की चिंता को बढ़ा दिया है। दरअसल फिल्म के अनाउंसमेंट वीडियो जियो स्टूडियोज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से हटा दिया गया, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या फिल्म को बंद कर दिया गया है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि फिल्म बंद हो गई है या फिर जियो स्टूडियोज ने प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया है, लेकिन इस खबर ने अक्षय कुमार के फैंस को परेशान कर दिया है। सोशल मीडिया पर अटकलें लगाई जा रही है, क्योंकि फिल्म पहले ही कई विवादों में घिरी हुई थी। वेलकम टू द जंगल साल 2007 में आई कॉमेडी फिल्म वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है, जिसकी अनाउंसमेंट साल 2023 में की गई थी, जिसने फैंस के बीच काफी हलचल मचा दी थी। हालांकि पहले इस फिल्म में संजय दत्त भी नजर आने वाले थे, लेकिन हेल्थ इश्यू और डेट शेड्यूल की वजह से उनको ये फिल्म छोड़नी पड़ी थी। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक संजय दत्त ने अपने दोस्त अक्षय को ये बताया कि फिल्म की शूटिंग बिना सही प्लानिंग के हो रही थी और स्क्रिप्ट में बार बार बदलाव होने से उनकी शूटिंग शेड्यूल में गड़बड़ हो रही थी। इसके चलते उन्होंने फिल्म से हटने का फैसला लिया। संजय पहले ही 15 दिन की शूटिंग कर चुके थे, जिससे डायरेक्टर इस उलझन में है कि उनके सीन दोबारा शूट करें या कहानी में बदलाव करके उनका किरदार हटा दे। वेलकम टू द जंगल इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। इस फिल्म से अक्षय कुमार कई सालों बाद कॉमेडी में वापसी कर रहे थे। फिल्म में 30 से ज्यादा एक्टर्स एक साथ नजर आने वाले थे, जो आजकल के बॉलीवुड में काफी कम देखने को मिलता है। फिल्म का पहला शेड्यूल पूरा हो चुका है, लेकिन अब खबर है कि इसकी रिलीज डेट बदल सकती है। पहले यह फिल्म 20 दिसंबर 2025 को रिलीज होने वाली थी। हालांकि अनाउंसमेंट वीडियो को हटाने के बाद फिल्म के मुश्किल में होने की बातें कही जा रही है। हालांकि इसको लेकर जियो स्टूडियोज या फिल्म की टीम की ओर से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। और जाने से पहले अपने मूवी लवर फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। We'll be right back.